अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान टीम का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है आइंदा आने वाले 2-3 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले पाकिस्तान टीम में अब बहुत सी तब्दीलियाँ होने वाली हैं। नए चेयरमैन, नए कप्तान और नए कोच का ऐलान किया जाएगा। इन 2-3 दिनों में मुकम्मल तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा नया चेयरमैन, नया कप्तान और नया हेड कोच होने जा रहा है। पीसीबी में बहुत सी तब्दीलियाँ होने वाली हैं सिर्फ इस टेस्ट सीरीज के हारने की वजह से, जो अब आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों आपको बताते हैं, पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा को ओहदे से हटाए जाने का फैसला किया गया है। आज ही उनको हटाया जाएगा। नजम सेठी की एक दफ़ा फिर से वापसी होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन नजम सेठी को फिर से बनाया जा रहा है, जिसके साथ ही पाकिस्तान टीम में बहुत सी तब्दीलियां होंगी। बाबर आजम से किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी वापस ली जाएगी और उसकी जगह सरफराज अहमद को फिर से कप्तान बनाया जाएगा। और उसके साथ ही नजम सेठी किसी अग्रेसिव कोच को भी लाएंगे, जिसमें ज्यादा चांसेस है कि सबसे पहले एबी डिविलियर को ऑफर दी जाएगी। ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सामने आ रही है। क्या आप सबको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये तब्दीलियां होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।